अगर आप लोगों के पास सिंगिंग की क्वालिटी है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, यही बहुत बड़ी चीज़ होती है। वहीं आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा द वॉइस ऑफ इंडिया कब आएगा, और अगर वो नहीं आ रहा तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये सब कुछ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली सबसे पहले आप एक बार ये विकिपीडिया का आर्टिकल देखिए। आप इधर देख सकते हैं द वॉइस इंडिया सीजन 3 खोला हुआ, क्योंकि ये लेटेस्ट था और ये आया था गाइस 3 फरवरी, और ये ख़त्म हो गया था 4 मई 2019 में। मैंने सिर्फ डेट दिखाने के लिए आपको बताया था, स्टार प्लस पे ये शो आता था। हाँ, काफ़ी पॉपुलर रहा, लेकिन इस शो ने पैसे नहीं बना पाए। इसके पीछे का रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको पता है कोविड आ गया था 2020 में 21 में, ऐसे ही चलता रहा कोविड सिचुएशन, जिसकी वजह से शो वापस कमबैक नहीं कर पाया। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2022 में कमबैक करेगा, लेकिन 2023 में कुछ चांसेस हैं कि भाई शो आ सकता है। अभी मैं आपको बताऊँगा बहुत ज़रूरी बात, कोई भी शो हो, मैं इंडियन आइडल की बात नहीं कर रहा, द वॉइस की बात नहीं कर रहा, सारे गामापा की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कोई भी शो हो, वो ये नहीं चाहता कि भाई उसकी टीआरपी गिर जाए। वो शो हमेशा ये चाहता है कि जो शो के मेकर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, जो कंटेस्टेंट्स आते हैं, जो विनर ट्रॉफी है, इसका तो बजट निकले ही, शो का मेंटेनेंस भी निकले, और जो नेक्स्ट सीजन है उसमें ये कुछ और बड़ा कर सके, यानी और अच्छे जजेस ला सके, और अच्छे कंटेस्टेंट्स ला सके, उसका बजट भी इनके पास आ जाए, तब तो बोलेंगे कि भाई शो सक्सेसफुल हुआ है, अदरवाइज शो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, यही कहा जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे रियलिटी शो बंद भी हुए हैं, आपको पता भी होगा। तो इसी वजह से द वॉइस ऑफ इंडिया के अंदर भी बहुत सारी बातें निकल के सामने आई कि भाई जजेस की पेमेंट नहीं हो पाई, बहुत सारे रीजन सामने आए जिसकी वजह से जो द वॉइस ऑफ इंडिया को जैसे तैसे करके मेकर्स ने चलाया, सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद शो बिल्कुल ही डंप होता चला गया। वहीं गाइस बहुत सारे शोज आज भी चल रहे हैं, जैसे इंडियन आइडल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, सारेगामापा आज भी चल रहा है, इंडियन आइडल 13 तक पहुंच गया है, सारेगामापा भी काफ़ी आगे तक पहुंच गया है अपने सीजन्स को लेकर। ये कैसे चल पाए हैं, क्या है इनके पीछे का रीज़न, वो मैं आपको बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है। वो देखो गाइस एक सिंपल सा रीज़न है, शो में उन कंटेस्टेंट्स को लिया जाए जो ऑलरेडी फेमस हैं, जिसकी वजह से लोग उन कंटेस्टेंट्स को देखने आते हैं, और इंडियन आइडल तो ऑलरेडी फेमस है, कंटेस्टेंट्स भी अगर फेमस होंगे तो उनसे जुड़े हुए लोग उनको देखेंगे, सपोर्ट करेंगे। दूसरा, वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं तो उनकी सिंगिंग भी बहुत अच्छी होती है, और जो वास्तव में सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी देखते हैं कि भाई इतना अच्छा ही कैसे सिंगिंग कर लेते हैं। ऊपर से सबसे ज़रूरी बात, कैमरा एंगल किस तरह से करना है, कैमरे के सामने टीवी के सामने कैसे आना है, वो चीज़ उनको इतना बताना नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस है, वो ऑलरेडी किसी शो में गए हुए हैं। तो ये बहुत सही रहता है एक शो के लिए, इससे शो की टीआरपी भी बरकरार रहती है, और नेक्स्ट सीजन के लिए भी उनके पास बजट आ जाता है, और वहीं जो जजेस हैं उनको भी रोक के रखा जा सकता है। इसी वजह से गाइज ये शो इतना आगे तक चल पाए हैं। अगर द वॉइस की तरह या किसी और नए शो की तरह नए कंटेस्टेंट्स को ही लिया जाता तो शायद वो उतना पैसा भी नहीं बना पाते कि वो नेक्स्ट सीजन को ला सके। अभी देखो गाइज आप एक बात से बिल्कुल एग्री कर जाओगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप हो, मान लो आपको एक जगह 100 लोग हैं जो आपको एक बात बोल रहे हैं, एक जगह सिर्फ 10 या 20 लोग हैं, 50 लोग लगा लो, तो आप किसकी सुनेंगे? आप ये देखोगे कि यार मुझे उनकी सुननी चाहिए जो 100 लोग हैं जो बता रहे हैं कि भाई शो को इस तरह से चलाओ, समझ रहे हो आप? बिल्कुल सेम इन रियलिटी शो के साथ भी होता है। ऑडियंस होती है, जो जनता होती है, वो क्या देखना पसंद करती है, एक तो वो लोग हैं, दूसरे वो लोग हैं जो शो के अंदर जाना चाहते हैं। इंडियन आइडल के साथ भी ऐसा हुआ कि भाई जो शो के अंदर जाना चाहते हैं वो कुछ परसेंट हैं, लेकिन जो शो को देखना चाहते हैं, जो शो में कुछ नया देखना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए मेकर्स हमेशा उनकी सुनता है जो शो को देखना चाहते हैं, और वो वही देखना चाहते हैं जो कुछ नया हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो। इसीलिए इंडियन आइडल वालों ने उन कंटेस्टेंट्स को लिया जो ऑलरेडी फेमस हैं, जिनको ऑलरेडी जनता जानती है, जिससे कि लोग काफ़ी ज़्यादा शो को देखें। आप इस चीज़ को डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम उन सिंगर्स के साथ हो रही है जो नए नए हैं, जिनको भाई शो में जाना है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ फिर देगा कौन? अगर शो इस तरह से चलते रहे तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगे?
आपको बताऊंगा कि आपको कंटिन्यू सीखना है, आपको उनकी जर्नी देखनी है जो लोग ऑलरेडी आ रहे हैं शो के अंदर, देखना है कि भाई बेसिकली ये आए कैसे। अभी तक जितना भी मैंने देखा है, एक चीज़ मुझे समझ में आई है, वो आपके सामने शेयर करता हूँ कि ये ना किसी शो में पहले ही गए हैं और वो शो बहुत छोटे हुआ करते थे, जैसे एक स्टेट के शो। एक एग्जांपल से आपको बताऊं तो सुरनावा दास नावा सिर्फ महाराष्ट्र में ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एक मराठी शो है, सिंगिंग शो है लेकिन मराठी लैंग्वेज में वो आता है और मराठी ही अगर आपको आती है तो आप जा सकते हैं। उस शो से बहुत सारे सिंगर्स निकल कर आते हैं इंडियन आइडल के अंदर, सारेगामापा के अंदर, और फिर उसके बाद वो छा जाते हैं। बिल्कुल सेम एक बंगाली शो है, यानी सुपर सिंगर शायद बंगाली शो है वो उसके अंदर से भी बहुत सारे निकल के आए, जैसे संचारी सेन गुप्ता और भी हैं। अब तो इन शोज ने अपनी ब्रांच भी बना दी है, जैसे सारेगामापा लिटिल चैंप। सारेगामापा लिटिल चैंप में आपको नए कंटेस्टेंट्स ही देखने को मिलेंगे, इंडियन आइडल जूनियर के अंदर भी आपको नए कंटेस्टेंट्स ही देखने को मिलते हैं, और उसके बाद जूनियर से ये फिर आ जाते हैं सीनियर के अंदर, यानी कि इंडियन आइडल्स के अंदर, सारेगामापा के अंदर। तो ये चीज़ हमें समझ में आई है। दूसरा, आपको कोशिश करना है कि जितने भी स्टेट्स के शो होते हैं या एक रीजनल लैंग्वेजेस के शो होते हैं उन पर आपको हाथ आजमाना चाहिए, डेफिनेटली सक्सेस आपके हाथ लगेगी। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, रियाज करते रहिए, अपना हसल करते रहिए, और कहीं ना कहीं अपने एक प्लेटफॉर्म पे भी वीडियोस डालना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप यूट्यूब पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, कहीं ना कहीं आप जरूर डालिए। वहीं बात करते हैं गाइस इस चैनल की, तो इस चैनल पे आपको जितने भी सिंगिंग शो हैं जो लेटेस्ट हैं, जो अभी आने वाले हैं, या फिर जो स्टेट वाले शोज हैं उनके ऑडिशंस कहाँ हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे मैंने सुरनावा दासनावा के ऊपर भी बताया था, लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आए थे क्योंकि लोग उसको जानते नहीं थे। आपको ऐसे ही शो में जाना है, वो टीवी पे भी आने चाहिए। अगर वो टीवी पे आते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बेस्ट है। जो बड़े बड़े शोज के अंदर कंटेस्टेंट्स आए उनकी जर्नी बताता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ, ताकि आपको भी बहुत कुछ जानने को मिले। बाकी गाइस द वॉइस ऑफ इंडिया अगर जैसे भी आता है, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा इस चैनल के ऊपर। इसी तरह से हमने डांसिंग शोज के चैनल्स भी बनाए हुए हैं, आप चाहें तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आपको कमेंट्स के अंदर मिल जाएंगे। वहीं अगर आप कंटेस्टेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।